Hey guys, welcome back to our channel. और फिर एक बार आज हम लोग बदलापुर में एक वाटर पार्क जैसा रिजॉर्ट ढूंढ रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो थोड़ा वाटर पार्क में जैसे हम लोग स्कूल में मॉर्निंग टू इवनिंग पिकनिक स्टे का भी ऑप्शन है. स्टे के लिए भी कम से कम 130 का अकोमोडेशन है पूरा. एंड वनडे के लिए भी, वनडे के लिए बहुत एकदम सस्ता पैकेज है. मैंने रेट्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फूड पैकेज क्या क्या इंक्लूड है क्या क्या नहीं है सब. बदलापुर में आपको अगर प्राइवेट आपके खुद के व्हीकल से आ रहे हो तो बेस्ट है, और अगर आप स्टेशन से भी आ रहे हो तो स्टेशन से एक 7 किलोमीटर्स पे तो आपको टैक्सी रिक्सी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 25 रुपीज़ का टैक्सी फेयर रहता है, मतलब वो शहर में आते हो तो. बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कन्वीनियंट है. ठीक है, बाकी डिटेल्स तो मैं आपको देते रहूँगा, फिलहाल के लिए मेरे साथ चलो. हेलो, तो एंट्री करने के बाद आपको इमिडिएटली ये बैंड मिलता है, फिर उसके बाद आपको बुफेट सिस्टम में नाश्ता रहता है. तीन ऑप्शन है, मिसल पाव है, उपमा है, पोहा है, तो आपको जो चॉइस है आपका कुछ भी ले सकते हो आप, आपके आपके ऊपर है. ठीक है, तो अभी फिलहाल नाश्ता करते हैं एंड देन विल मूव टू द वाटर पार्क. तो ये अम्यूजमेंट पार्क है बच्चों के लिए, आपके साथ बच्चे वगैरह आ रहे हैं, इवन बड़े भी थोड़े बहुत तो यहाँ इसमें बैठ सकते हो. बोला है इसमें यहाँ पे किड्स ही नहीं है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द तो स्कूल पिकनिक होता है यहाँ पे, तो इसके लिए ये सब आइटम है यहाँ पे. तो ये पूरा आपका वाटर पार्क एरिया है, यहाँ पे 3-4 टाइप की स्लाइड्स है, देन द रेन डांस है, और क्या. चलो बताने में क्यों टाइम वेस्ट करते, चलो आपको लेके चलता हूँ. हेलो, तो ये और एक रेन डांस है, अगर इनके बहुत ज़्यादा पब्लिक है तो ऐसा कुछ इशू नहीं होने वाला है कि एक ही रेन डांस है. वहाँ पर भी एक बड़ा वाला रेन डांस है, वो ऑक्टोबर के नीचे, और यहाँ पर भी है. आओ मेरे साथ चलो. ठीक
हे गाइस, तो ये कॉमन स्विमिंग पूल है, यहाँ पे आपको वो जो वाटर पार्क है वहाँ पे ऊपर, वो तो कैसा है ना, मंडे टू फ्राइडे में 2 to 4 PM में चालू रहता है वो, या तो फिर वीकडे में अगर 30 के ऊपर का क्राउड है, क्योंकि वो हाई हेवी मशीनरी है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से वो लोग ज़्यादा क्राउड। सैटरडे संडे पूरा मॉर्निंग से इवनिंग चालू रहता है वो, बट वीकडेज में 2 to 4 का टाइम है, ठीक है। सॉरी, बट ये जो कॉमन स्विमिंग पूल है इधर आप दिन भर कभी भी आ सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टे का है वो आपको बता देता हूँ, ये देखो ये बंगला है, मतलब 2 BHK है, तो यहाँ पे आराम से 8 लोग अकोमोडेट होते हैं। ये हॉल है, ठीक है, यहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम में AC है, ठीक है, ये वॉशरूम है, ये बाथटब वाला है, ठीक है, सब गीजर वगैरह सब है, ओके। बेडरूम में AC है बट हॉल में नहीं है, हॉल में ये 2 coolers है, ठीक है, तो उसका यूज हो सकता है आपको अपना। ये देखो ये एक बेडरूम है, दूसरा वाला ये बंकर बेड है, और एक्स्ट्रा लोग आते हैं, मतलब यहाँ पे 8 का अकोमोडेशन है, उसके ऊपर आते तो ये जो एक्स्ट्रा मैट्रेस है वो आपको हॉल में करके फिर आप मतलब सो सकते हो। ये आपका ये है वॉशरूम कॉमन वाला बेडरूम के पूरा घर के लिए, ठीक है, टेबल वगैरह सब है प्रॉपर, मतलब एक फैमिली आ रहा है तो आराम से रह सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और बाहर से तो आपको तो पता ही है झूला वगैरह है, थोड़े यहाँ पे चिल आउट कर सकते हो आप, ठीक है। बट मैं ज़्यादातर आपको स्टे के लिए, मैंने ये रिजॉर्ट आपको एक्चुअली वाटर पार्क के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, स्टे के लिए तो अपने बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास, मैं बस दिखा के रख रहा हूँ कि अगर आपको स्टे को भी आना तो ये ऑप्शन है, बाकी मेरा फोकस आपको यहाँ पे वाटर पार्क के लिए है, ठीक है। चलो, हेलो, तो आपको कपल रूम दिखा देता हूँ, कपल के लिए है, 4 रूम है कपल्स के, ठीक है। ये बेड ज़्यादा स्पेशियस नहीं है बट काफ़ी कंफर्टेबल है, ऐसा ज़्यादा छोटा भी नहीं है, AC है कपल रूम में, ठीक है। मिरर वगैरह, TV, फ्रिज आपके लिए वो रखने के लिए सामान वगैरह, तो वॉशरूम है, इंडियन है, गीजर वगैरह सब है, ठीक है। अच्छा, ठीक है गाइस, तो आपका जो मतलब बंगले के अलावा डॉर्मेंट्री पार्ट है, डॉर्मेंट्री में आप जा बहुत ज़्यादा 15-20 बॉयज हो, बड़ा ग्रुप है तो ये बड़ा सा डॉर्मेंट्री है, डॉर्मेंट्री टाइप है ये सब रूम, तो यानी जैसे आपको बोला ज़्यादा स्टे फोकस नहीं है, वाटर पार्क फोकस है, तो और ये फ्रिज वगैरह है, कुछ आपका ड्रिंक्स विंक्स रखना है तो आप रख सकते हो, ठीक है। और फैंस है यहाँ पे, AC नहीं है, ठीक है, नोटिस कर। ठीक है गाइस, तो पैकेज में आपका जो फूड इंक्लूड है, मतलब जो वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है, पूरे बुफे में लगता है, भाकरी, चपाती, चिकन है, पनीर है, और बटाटे का सब्जी है, कांदा, बाकी सलाद वगैरह सब है, स्वीट डिश में गुलाब जाम है, ये आपके पैकेज में इंक्लूड रहेगा। इवन आप वन डे को आ रहे हो या स्टे को आ रहे हो, जो भी पैकेज रहेगा उसमें इंक्लूड रहेगा। प्राइस वगैरह भी है बट अभी जगह नहीं है तो मैं सोचा बाद में ले लूँ, ठीक है। चलो, लेट्स एंजॉय द फूड। डनिट गाइज, पूरा आपको मैंने रिजॉर्ट का पूरा टूर दे दिया है मैंने और आकाश ने मिलके, ठीक है। वाटर पार्क मोर फोकस है ये रिजॉर्ट पे, स्टे के लिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है, मैं इवन रेकमेंड भी करूँगा कि वाटर पार्क के लिए आओ, स्टे के लिए बाकी सारे ऑप्शन काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन मैंने दिए, ये भी अच्छा है, इसमें भी कपल रूम्स वगैरह अच्छे है, एक बंगलो भी अच्छा है, बाकी सारे डॉर्मेंट्रीज है, ठीक है। कपल के लिए जो भी चार्जेस है कपल का या फिर पर पर्सन का, पर डे का, पर नाइट का, सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वन डे पिकनिक के तौर पे आ रहे हो, वन डे पिकनिक के हिसाब से आ रहे हो एंजॉयमेंट करने के लिए थोड़ा, तो मैं बोलूँगा कि बजट में, क्योंकि आप देख लो प्राइस भी, तो बजट में काफ़ी वन डे पिकनिक कर रहे हो, मस्त आओ, खाना भी इंक्लूड है आपका, ब्रेकफास्ट एंड लंच वगैरह, शाम का टी रहेगा, ठीक है। इवन आपको मैंने जैसे बताया कि जो वो वाटर पार्क एरिया था मेन स्लाइड वाला, वो वीकडेज में 2 to 4 के बीच में बंद, 2 to 4 के बीच में चालू रहता है, ठीक है। बाकी सैटरडे संडे में पूरा दिन चालू रहेगा, वीकडेज में 2 to 4 के बीच में चालू रहेगा, और अगर इवन वीकडेज में आपका 30 का क्राउड है, 30 के ऊपर है, ठीक है, तो एडजस्ट करके फिर वो भी दिन भर चालू रखते हैं, ऐसा है। नहीं तो फिर आपका एक कॉमन जो स्विमिंग पूल है वो तो आपको दिन भर मिलने ही वाला है,
बाकी रेन डांस है, रेन डांस भी दो है, एक वहाँ पे बड़ा ऑक्टोपस वाला है, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा रेन डांस है। बहुत बड़ा एरिया है, गार्डन है, एम्यूजमेंट पार्क है जिसमें आपको पे करके अगर कोई बच्चों के लिए राइड वगैरह जो भी है, मतलब आपका जैसे भी रहेगा, जो भी आप एंजॉय करने आ रहे हो आपके हिसाब से प्लान करके आओ। मैंने पूरा वीडियो में आपको डिटेल्स तो पूरा दे दिया है, इवन लोकेशन भी बदलापुर में, बदलापुर में आप बोलोगे तो एक स्टेशन से कुछ 7 किलोमीटर्स पे अप्रॉक्सीमेटली आपको ऑटो या फिर टैक्सीस वगैरह मिल जाएगा, जो कि शेयर के बेसिस पे आता है। मतलब आप पकड़ लो 25 रुपीज़ लेते हैं वो लोग, शेयर ऑटो शेयर सीट रहेगा जो भी, ठीक है। तो भी कन्वीनियंट है ना, बदलापुर ट्रेन से आ जाओ फिर, या तो फिर प्राइवेट से आ रहे हो तो प्राइवेट में आ जाओ। और आपको ये अपना क्या बोलते हैं, पार्किंग के लिए भी जगह है, या फिर लेफ्ट साइड में रिजॉर्ट का ही खुद का पार्किंग है, वहाँ पे आप खुद का गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली थाने से आप पकड़ लो 40 to 45 के रेंज के किलोमीटर्स के बीच में है ये जगह। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा एक रिजॉर्ट है, ठीक है। कभी आना चाहते हो फैमिली के साथ, वन डे पिकनिक के लिए मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा, वन डे पिकनिक वाटर पार्क के लिए दिल से इंडियन आपको ये रिकमेंड करेगा, ठीक है। बाकी कुछ आपको डाउट हो तो मुझे आपको एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, मैं हमेशा आपको जवाब देते ही रहता हूँ, ठीक है। हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम दिल से इंडियन।